नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम गौतम और आप देख रहे हैं गौतम बोम्बार्डे व्लॉग्स। आज भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा का आज आगाज़ किया गया था, जिसका नेतृत्व वामनजी मेश्राम कर रहे थे और उद्घाटक थे न्यायमूर्ति वीरेंद्र यादव, पूर्व हाईकोर्ट जज इलाहाबाद के। इनकी कुछ 12 शर्तें थी, जिसमें से एक है आरएसएस तथा भाजपा का संविधान द्रोह। नंबर 2 था उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार द्वारा संविधान द्रोह। नंबर 3 था कि ईवीएम का आरएसएस बीजेपी भी इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, ऐसा तो है ही। नंबर 4 है ओबीसी की जाति आधारित गिनती न करने के विरोध में। नंबर 5 है संविधान बदलने की साजिश के विरोध में। नंबर 6 है मुसलमानों के साथ सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को आरएसएस भाजपा के लोग दुय्यम दर्जे के नागरिक मानते हैं, इसलिए भी आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा ले जाना जरूरी है। 7 नंबर है आरएसएस के द्वारा आदिवासियों को जबरदस्ती से हिंदू बनाया जा रहा है। नंबर 8 है आरएसएस भाजपा के द्वारा ओबीसी को और जबरदस्ती हिंदू बनाने का काम चल रहा है। आरएसएस के द्वारा बौद्ध विरासत पर कब्जा किया जा रहा है, इसके विरोध में आरएसएस द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण और इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या करना। आरएसएस का राष्ट्रवाद ब्राह्मणी आतंकवाद पर साझा है। फरवरी 2008 को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने गुप्त मीटिंग में साफ शब्दों में कहा था कि यह देश हमारा नहीं है, इसलिए हमें इस देश के संविधान के खिलाफ तथा देशवासियों के खिलाफ लड़ना होगा। नंबर 12 है बिल्किस बानो को न्याय कहाँ मिला। ये 12 शर्तों को लेकर आज बेजनबाग से सभा लेकर रैली निकालना था और वो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेके जाना था, लेकिन आरएसएस का दबाव डाला। आरएसएस ने दबाव बनाया और पुलिस का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोटेस्ट को 9 बजे ही स्थगित कर दिया गया और 144 धारा लगा दी गई। जैसे ही कुछ राज्यों से जो बामसेप के कार्यकर्ता थे और जो उनसे जुड़े हुए संगठन से जुड़े हुए जो बहुजन थे, लोग थे, वो बसों में और ट्रेनों में आए, तो ट्रेनों को रद्द किया गया, बसों को भी रोका गया। कुछ बसें जो सिटी में आ गई थी उन बसों को रोका गया और उन वहाँ से जो जितने भी बहुजन थे उनको निकाल कर पुलिस की बसों में भर कर उनको जेल भरो, ऐसा अभियान चलाया गया। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप पहले मिल जाया करेगी।
मिलते हैं और नए वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।